स्वागत में हम लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहेंगे। बाबा का प्यार भरी मुरली हमने सुना तो सबको मजा आया। तो इसको कहते क्रिएटिव मेडिटेशन। जो भाई कह रहे थे क्रिएटिव मेडिटेशन के बारे में बताओ, तो आज आपको नया लगा? किस किस को नया लगा आज मुरली सुनते हैं? तो हर रोज हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपनी बाबा की प्यारी मुरली से। तो वैसे हम बहुत सारी भट्टियाँ कराते हैं जहाँ भी जाते हैं, कैसे मुरली से हम क्रिएटिव मेडिटेशन करें, क्योंकि मुरली हमारे जीवन का श्वास है। तो मुरली की गहराई में जब हम जाएंगे तो हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे ही बात मेरे जीवन में हुई, कैसे बाबा ने मुरली के द्वारा हमेशा अपना प्लान बताया, जिसको कहते हैं गॉड्स प्लान, हाउ गॉड थिंक्स, वो हम मुरली के द्वारा जान सकते हैं। व्हाट इज़ गॉड्स माइंड, वो भी हम मुरली के द्वारा जान सकते हैं। तो इसी तरह मेरा लाइफ भी गॉड्स प्लान ही है, क्योंकि हम सो कुमारिया 92 में मधुबन गए थे। हम सभी बैठे थे जैसे आप सभी बैठे हो, ऐसे बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, आप सभी ने देखा होगा, हाथ उठाए हैं। अच्छा, जिसने देखा है फोटो में तो देखा ही होगा, तो सभी हाथ हिला सकते हो। तो प्रकाशमणि दादी जो है 92 में हम सभी एक एक कुमारी से आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ऐसे पूछते पूछते जब मेरा टर्न आया, मैं तो लास्ट में बैठी थी, तो हम सो थे। तो 9 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, 12 बजे तक चलता रहा। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड आया, उसके बाद मेरा ही टर्न था बोलने का, तो उस समय मुझे क्या अनुभव होता है कि प्रकाशमणि दादी की ब्रुकुटी में जैसे बाप दादा बैठे और उनके जैसे मस्तक से पावरफुल रेज निकल रही है और वो मुझे मस्तक पर टच कर रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैंने पूछा कि बाबा आप मुझे ऐसा एक्सपीरियंस क्यों करा रहे हो ऐसे? तो उसके बाद तो मेरा ही टर्न था अपना परिचय देने का। तो प्रकाशमणि दादी ने पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ऐसे 2 लाइन बोला। तीसरा लाइन दादी कहती है बाबा को दादी को आप बहुत अच्छे लगते हो, यही रह जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं, मतलब मुझे दादी ऐसा बोलेंगे। अभी जैसे देखो आप इतने बैठे हो, अभी दादी बोल दे आप यही रह जाओ तो कैसा लगेगा, है ना? तो मैं, हम 100 बैठे थे और अचानक मुझे दादी ने ऐसा बोल दिया कि बाबा को दादी तो यही रह जाओ। तो मैं बाबा को कह रही हूँ बाबा मुझे नहीं रहना है, हा? तो यहाँ जो 100 बैठी है ना, इसमें से आप किसी को सेलेक्ट कर लो, मुझे छोड़ दो, ऐसे मैं बाबा को कह रही हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे ये भगवान का प्लान है। यहाँ बोला बाबा ने दिस इज गॉड्स प्लान। बताएं भाई, बोलिएगा क्या है ये? गॉड्स प्लान माना भगवान का प्लान है। तो मैंने बोला कैसे? मेरे मतलब मुझे बहुत आदत हो, मतलब थी कि मैं बाबा से बातें बहुत करती थी। तो मैं कहती थी बाबा अगर आप सचमुच भगवान हो, दूसरी बात मैंने कहा अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तीसरी बात मैंने कहा अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस दुनिया में प्लान बनाकर दिखाओ।
तो बाबा मुझे वो बात याद दिला रहे थे, तुमने बोला था ना कि अगर तुम सचमुच भगवान हो और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो उस दुनिया में प्लान बना कर दिखाओ। ये वही प्लान है जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है। तो ऐसे बाबा ने मुझे कहा। तो मैंने कहा अच्छा कैसे? बाबा ने वो भी बताया मुझे। देखो प्रकाशमणि दादी आपको जानती है? नहीं जानती है ना। तो दादी के मुख से कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन सा बाबा? साई बाबा, शिरडी बाबा, कौन सा बाबा? हाँ बोलो, मीठा बाबा। हाँ स्वाद आना चाहिए, ऐसे बोले। जैसे रसगुल्ला खाएंगे तो कैसा स्वाद आता है, बोलिए ऐसे, मीठा बाबा। हाँ स्वाद आया? एक दूसरे को बोलिए मीठा बाबा, स्वाद आया क्या पूछो। हाँ तो ऐसे मीठे बाबा ने ये प्लान मेरे जीवन का बनाया और मुझे बाबा ने बताया, देखो बच्ची प्रकाशमणि दादी आपको जानती नहीं है, पर्सनली मेरे बारे में दादी कुछ नहीं जानती है। दादी अगर बोल रही है तो कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है। अच्छा दूसरी बात बाबा ने समझाया, देखो ये प्रकाशमणि दादी कौन है, जिनके हाथों में बाबा ने हाथ रख करके पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी दी है ना। 18 जनवरी को दादी जी ने सुनाया होगा ना आपको, कैसे हाथ में हाथ रख के ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सौंप दिया। तो ऐसे ऐसी दादी तुम्हें बोल रही है जिसको स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया यज्ञ के कारोबार के लिए। तो डायरेक्ट भगवान को तो नहीं आएगा ना, लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बोल रहा है कि ये दादी का प्लान नहीं है, ये बाबा का प्लान है। ऐसे बाबा ने मुझे जब समझाया तो मैं सेटिस्फाई हो गई और मैंने कहा हाँ जी बाबा, अंदर ही अंदर मैं मान गई बाबा की बात को। फिर दादी ने बोला अच्छा बताओ, मतलब फिर मैं थोड़ा सा चिप के बैठ रही थी ताकि दादी मुझे ना देखे, फिर भी मैं थोड़ा ऐसा, कभी होता है ना नहीं दिखना होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के पीछे चिप के बैठते। तो दादी भी बड़ी होशियार थी, कहती है उसको उठाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे करके दादी ने मुझे खड़ा किया। और दादी कहती है रहेंगे, दादी को अब बहुत अच्छे लगते हो, यहीं रह जाओ। तो तब से लेकर 31 साल से मधुबन में समर्पित रूप से रहते। तो इसके बाद मतलब बहुत सारा अनुभव है, जैसे मैं अगर टाइम कम है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद दादी के नज़रों में मैं आ गई है ना। तो जैसे ट्रेनिंग का जैसे लास्ट डे होता है, वो होता है फेयरवेल डे होता है। फेयरवेल डे में ना सभी कुमारियाँ अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं वो बता सकती हैं। तो हमने भी डांस ड्रामा सब प्रैक्टिस किया था। तो जब प्रैक्टिस किया और हमारी जो ट्रेनिंग टीचर थी वो आशा दीदी थी, आशा दीदी को तो जानते हो दिल्ली की। तो उस समय 92 की बात है, तो फिर हम उनके पास गए, हमने कहा डांस ड्रामा करना है। तो बोला कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आपका प्रोग्राम ऐड नहीं होगा। तो इसलिए बोला ठीक है, तो फिर आप छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा के कमरे में के मैं चली गई और बाबा को बोला देखो बाबा ये तो हमारे टाइम का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे तो डांस करना है, ऐसे करके ऐसे मतलब बाबा से बात करते करते मैं सो गई। तो 5 बजे दीदी ने मुझे बोला, मतलब वो उस कुमारी को बुलाओ जो आई थी ना उसको बुलाओ। तो फिर आशा दीदी ने कहा उस कुमारी को बुलाओ। तो मैं गई तो दीदी कहती है आपका इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश में भाषण करो, ये डांस ड्रामा छोड़ो, बहुत लोग करने वाले हैं, तुम इंग्लिश में भाषण करो। तो मैंने कहा दीदी मैं तो भूल गई हूँ पूरा, आपने मेरा डांस कैंसिल किया तो मेरा मन तो ब्रेन तो पूरा साफ ही हो गया, ब्रेन वॉश हो गया। तो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं आप बाबा, मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मैं डांस करना चाहती हूँ तो आप मेरा मतलब भाषण करवाना चाहते हो, आपका तो प्लान हमेशा दूसरा ही होता है, तो जो भी आप चाहे वही होगा, ऐसे मैंने बाबा को कहा। फिर जब मैं वापस मतलब जहाँ स्टेज पर गई तो मैंने देखा एक तरफ सारे भाई बैठे थे, बड़े भाई, और दूसरी तरफ सारी दादियाँ बैठी थी। तो जैसे ही मैं स्टेज पर गई तो मैं तो भूल गई सबको देख करके, इतने सारे बड़े भाई और दादियाँ बैठी थी, क्या बोलना है वो भी भूल गई मैं। हैं फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप नीचे आ जाओ मैं ऊपर आ जाऊँगी, हैं ऐसे करके बाबा को नीचे बुला लिया, मैं ऊपर चली गई। तो 15 मिनट मैंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है, इतना अच्छा भाषण हो गया, सब जब ताली बजाने लगे तब मैं मतलब मुझे समझ में आया कि मैं नीचे हूँ।
फिर बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले ये मेरे इंग्लिश टीचर है, ऐसे करके है। तो बोला जाओ जाओ जाओ, फिर से अपना अनुभव सुनाओ। वैसे मेरा, जैसे दादी ने कहा कि अपना परिचय भी दो, परिचय दिलाया। फिर विश्व रतन दादा, आपने देखा है फोटो में, देखा है हाथ उठाना अभी? तो विश्व रतन दादा जो अकाउंट्स के निमित्त थे, उनके हाथ में दादी ने मेरा हाथ दिया। तो तब हम अकाउंट्स में सेवा में आए। तो कहने का तात्पर्य है, उसके बाद ब्रिजमन भाई जी ने क्या किया कि उन्होंने मेरा जब भाषण सुना, उन्होंने कहा तुम हर प्रोग्राम में वही भाषण बोलना, ऐसे बोल दिया मेरे कि हर बार जो भी प्रोग्राम होगा, क्योंकि वहाँ से हम दिल्ली से रिपोर्ट गए थे, उस समय ज्ञान सरोवर भी नहीं था, केवल मधुबन ही था। तो फिर श्री फोर्ट में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता था, साउथ एक्सटेंशन में, दिल्ली में। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हुए ना, मतलब सभी कुमारियों को एक एक बार चांस मिलता था, लेकिन मुझे तो हर दिन वही भाषण बोलना था। तो सब जो बैठे हुए होते थे, उनको तो पता होता था मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन वो कहते थे उनके लिए भाषण नहीं करो, जो नए आते हैं ना गेस्ट, उनके लिए तुम्हें बोलना है। तो कभी जैसे राजेश खन्ना आया था एक बार सोनिया गांधी आई थी, वहाँ तो टॉप डिग्नेटरीज से उनका कनेक्शन है ना, तो रोज़ एक एक को बुलाते थे। तो सबको पता होता था मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन गेस्ट को पता नहीं होता था मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो ऐसे वही वही भाषण मेरे को रोज़ करना था। तो इसी बीच में जगदीश भाई जी आए, वो पीछे बैठे, मुझे नहीं पता उन्होंने सुना है मेरा, है ना। वो सुन के चुपचाप चले गए और बोला वो जो कुमारी है ना, वो जो लड़की है छोटी सी थी, उसको बुलाओ, ऐसे करके भाई साहब ने बोला। तो फिर मैं जब कमरे में भाई साहब के पास गई, तो पूरा पसीना छूट रहा था मेरा, पता नहीं क्या गलतियाँ की होगी मैंने, इसलिए भाई साहब ने बुलाया, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी है। जगदीश भाई जी ने आज भी बाबा ने याद किया ना, इतनी किताबें लिखी है, मैंने तो गलतियाँ की होगी, तब भी बुला रहे हैं ऐसे। तो जब मतलब मेरा आधा घंटा भाई साहब ने पूरा पूरा पूछा, पूछने के बाद बोला बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा भाई साहब पहले नहीं बता सकते थे, मैं तो डर गई थी, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने। तो बहुत हंसे, फिर कहते चलो रशिया लेके चलता हूँ, है ना। तो भाई साहब को ऐसा था कि मैं रशिया जाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे दादी ने मधुबन के लिए बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर बोला अच्छा अच्छा ठीक है, भले मधुबन जाओ। फिर दादी ने भी, मुन्नी दीदी है ना जो दादी के साथ साथ रहते हैं, तो उनको बोला ये इस कुमारी को मैंने पसंद किया है, इसे रोज मेरे पास आएगी, है ना। रोज मैं दादी के पास जाती थी ना, तो फिर मुन्नी दीदी देखते थे मैं रोज़ टाइम पे चली जाती हूँ 6:30। तो मुन्नी दीदी ने कहा तुम रोज़ बड़ी दादी को स्टेज पे ले जाओ। तो 16-17 साल जैसे मैंने दादी का हाथ पकड़ा है ना, ऐसे मैं प्रकाशमणि दादी का हाथ पकड़ करके दादी को स्टेज पर ले जाती थी, जैसे शॉल वॉल डालना, फिर क्लास के बाद फिर लेकर आना। तो ये भी ड्यूटी मिल गई थी रोज़ प्रकाशमणि दादी के साथ जाने की, उनको छोड़ करके जब भी फॉरेन सीजन होता तो दादी जानकी के सामने बैठ जाती थी। मैं सोचती थी इतनी छोटी सी दादी है, ये वेस्टर्न माइंड को कैसे ओपन करती है, माना कैसे भगवान को ये जानती है, और सारी दुनिया में इतना, जैसे आज बाबा ने विचार सागर मंथन कहा, तो दादी का बहुत अच्छा ये स्पेशलिटी होता था कि कैसे विचार सागर मंथन करना है। तो दादी का क्लास में एक भी मिस नहीं करती थी, दादी शांतिवन में तो मैं भी शांतिवन, दादी ज्ञान सरोवर तो मैं भी ज्ञान सरोवर। तो दादी देखती थी ये कुमारी क्या करती है, प्रकाशमणि दादी को छोड़ती है, फिर आके मेरे क्लास में बैठ जाती है। तो दादी को मैं इतनी अच्छी लगी ना, दादी जानकी को, प्रकाशमणि दादी को कहती है ये कुमारी मुझे दे दो, ऐसे है। तो दोनों दादी आपस में ऐसे बात करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, वाह क्या बात है, दोनों दादी आपस में मेरे लिए बोल रहे ऐसे। तो बोला कि ये कुमारी मुझे दे दो, ऐसे दादी जानकी ने कहा। तो प्रकाशमणि दादी पता है क्या कहते हैं, कहते ये मधुबन की कुमारी है, इसको मैं नहीं दूंगी, तुम चाहे तो थोड़ा समय के लिए ले जाओ। तो पहला मेरा लंदन का प्रोग्राम बना 2006 में। तो दादी के पास, दादी जानकी के पास मुझे बड़ी दादी ने भेजा था, जस्ट ए मिनट प्रोग्राम था। मैं जब लंदन गई, दादी जानकी ने ऐसा करके मुझे गले लगाया, तो मुझे वो सारे दिन याद है कैसे बाबा ने दादियों के द्वारा पालना दी। हर रोज़ रात को प्रकाशमणि दादी से गुड नाइट करते थे,
सामने गुलजार दादी होती थी, उनसे गुड नाइट करते थे, फिर दादी जानकी के पास जाते थे, एक घंटा दादी रोज क्लास कराती थी रात को 11 बजे तक, फिर 11 बजे कमरे में जाते थे, फिर 4 बजे आ जाते थे। तो ऐसे दादियों के अंग संग रहने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। और जब भी जगदीश भाई जी आते थे, मुझे देखते थे दादी के आस पास हूँ, तो बड़े खुश होते थे, कहते थे बहुत अच्छा दादी के साथ हो। तो फिर मैं भाई साहब को एक एक बार कहती थी, भाई साहब आपसे लोग डरते हैं, आप मुस्कुराते नहीं हो। तो बोलते अच्छा मैं मुस्कुराता रहूँगा तो किताब कौन लिखेगा, आप लिखेंगी ऐसे। तो मैंने कहा ना ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे किताब में लिख दीजिए। तो मैंने किताब दिया तो एक पेज इंग्लिश में एक पेज हिंदी में भाई साहब ने मेरे लिए लिख के दिए। जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है हमारे लिए भी उन्होंने एक इंग्लिश में एक पेज हिंदी में दोनों में लिख के दिया। तो ऐसे कई सारे अनुभव है। मेरा कहने का भाव ये है, इसको कहते हैं गॉड्स प्लान, जो हमारे मन में कोई प्लान नहीं है। फिर 2006 के बाद जब से मैं लंदन गई, लगातार मेरा उसके बाद विदेश का प्रोग्राम बनता रहा। तो लगभग पांचों महाद्वीपों में, पांचों महाद्वीप जानते हैं ना, तो पांचों खंडों में और 65 देशों में बाबा लेकर गए, 65 देशों में गए। तो फिर 65 देशों में बाबा ने सेवा कराया। ये बाबा का प्लान है ना, मेरा प्लान तो नहीं है। तो कैसे हर साल अलग अलग देशों में जाना हुआ। तो वहाँ पर हम जब भाई बहनों से मिलते थे तो उनको नई नई चीज़ हमें देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे जो कहा वही वहाँ पर भी कह दिया, ऐसा नहीं। तो नया विचार सागर मंथन करते हुए इन भाई बहनों के लिए विशेष उनके मतलब इंग्लिश में हिंदी में क्लासेस तो कराते ही थे, लेकिन उन लोगों के लिए नई बात हमें सोचना है। तो क्योंकि जब हम नया देंगे तभी ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह रहेगा, केवल उनके लिए नहीं खुद के लिए भी। आज भी मैं एक मुरली को 5-6 घंटा स्टडी करती हूँ, ऐसा नहीं चलो आपको सुना दिया तभी आप लोगों को मजा आया सबको मुरली सुनते समय। तो हम तभी कर सकते हैं जब हम 5-6 घंटा खुद स्टडी करते हैं मुरली को। तो मैं मतलब मेरा जो निश्चय है वो मुरली से है, बाबा की जो मुरली है उसको लेकर के, जैसे बाबा कहते ना डुबकी लगाना, तो ऐसे मैं मुरली लेकर के 5-6 घंटा में खुद स्टडी करती हूँ। तो इस तरह मेरा जो जीवन का प्लान है वो बाबा ने बनाया है। जैसे 2018 में भारत सरकार ने नेशनल वुमन एक्सलेंस अवार्ड दिया था, वो तो था, लेकिन अभी 2022 में शिक्षा समाज रत्न अवार्ड मिला, वो भी मतलब राधे कृष्णा, सर्वेपल्ली राधे कृष्णा जो अवार्ड होता है दिल्ली में वो मिला। तो अभी भी हम मार्च में जाएंगे। जैसे देखो बाबा कैसे कराता जाता है एक एक चीज़, तो एक एक चीज़ जो बाबा ने मेरे जीवन में कराया वो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैंने क्या किया, सच्चे दिल पर साहिब राजी, मेरी अपनी बुद्धि को मैंने बाबा के साथ लगाया, मन बुद्धि दिल बाबा के साथ। जब हम बाबा के साथ हर काम करेंगे तो हमारा जीवन का प्लान कौन बनाएगा, बाबा बनाएगा ना। वही मेरा जीवन का आधार है कि कैसे बाबा ने एक एक स्टेप पर मुझे गाइड किया। तो आज भी जितने भी शिविर होते हैं, मतलब शांति वन में, पहले तो डायमंड हॉल में होता था, मतलब दो कोरोना से पहले डायमंड हॉल में होता था, एक साथ 6,000-7,000 भाई बहनें होते थे। तो उन सबको जैसे क्लासेस कराना, एंकरिंग भी करेंगे तो क्लासेस भी कराएंगे। तो इस तरह से पहले तो डायमंड हॉल में होता था, अभी लास्ट ईयर मनमोहिनी वन में हुआ, इस साल भी भाई बहनें आते हैं आएंगे, देखो कहाँ पर होता है। कोरोना के कारण छोटा प्रोग्राम होने लगा मनमोहिनी वन में, पहले डायमंड हॉल में होता था। तो इस तरह पहले जब हम अकाउंट्स ऑफिस में थे विश्व रतन दादा के साथ, तब हम अटेंडेंस भी लेते थे, हम कहेंगे कानपुर किदवाई नगर, तो दादी ऐसे करते थे। तो याद नहीं होगा शायद दादी को, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। तो हम कहते हैं गोल्ड और सिल्वर से अभी परमात्मा ने डायमंड बांटने की सेवा दी है, परमात्मा के ज्ञान रतन कैसे हमें बांटना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में उसको ग्रहण करें, कैसे धारण करें, ये सेवा बाबा ने दी है। तो डायमंड हॉल में डायमंड्स बांटने का सौभाग्य बाबा ने दिया। तो ऐसे शिविर भी कराते हैं, तो भारत और विदेश में दोनों जगह पर हम भट्टियाँ भी कराते हैं, स्पेशली मुरली इसको लेकर के, कैसे मुरली के आधार पर हम भट्टी करें, मेन तो यही हमारा एम रहता है। फिर कंपनीज में भी अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स कराते हैं। तो आज आप सभी देवी देवताओं को
बाबा ने जो कराया वो बाबा ने कराया। खास मैं दादी जी से मिलने आई थी, दादी से वरदान लेने आई थी, ब्लेसिंग लेने आई थी, तो आप सभी देवी देवताओं का भी दर्शन मिल गया, ठीक है ना। तो कहने का भाव क्या है कि बाबा के प्लान पर चलेंगे तो बाबा हमारे जीवन का प्लान बनाएगा। ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि बाबा का प्लान क्या है। जैसे ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं रोज अमृत वेला करो, है ना। आप में से जिन भाई बहनों ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ उठाना, कभी नहीं। देखो कितना कम है ना। तो आज से गया वो हो गया, लेकिन आज से हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, पावरफुल अमृत वेला रोज करेंगे, बोलिए करेंगे। हाँ दोनों हाथ हिलाइए जरा, पक्का। हाँ आज से बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है, पक्का करेंगे। फिर से हाथ उठाना, बाबा वीडियो ले रहा है ऊपर से, पक्का करेंगे। तो माया भी देख रही है, आना बाहर आना, मैं देख लूंगी, क्या बताएंगे, हाँ जाना मैं भी देख लूंगी, क्या बोलेंगे माया को। हाँ भाई माया कहाँ रहती है, तपोवन में कहाँ रहती है, एड्रेस क्या है, कानपुर में कहाँ रहती है माया, एड्रेस पता है। तो बाबा कहते हैं कि माया से क्या डरना जब भगवान तुम्हारे साथ है। इसलिए आज हम सब प्रतिज्ञा करेंगे, बोलिए सभी मीठे बाबा, थोड़ा खुशी खुशी से बोलिए, बोलिए मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे लवली लवली बाबा, आज से पावरफुल अमृत वेला जरूर करेंगे। बीच बीच में मिस भी करेंगे, नहीं ठीक से सुन रहे हो, सुन रहे हो, अच्छा नहीं करेंगे पक्का। कई भाई बहने बहुत होशियार रहते, कहते ठीक है बाबा आ जाओ आप भी सो जाओ हमारे साथ। हर काम आपके साथ ही तो करना है ना, पुरुषार्थ क्या है बाबा के साथ हर काम करना। तो ऐसे नहीं चलो बाबा आ जाओ आप भी सो जाओ, नहीं, क्योंकि अमृत वेले के बाद नींद कैसे होती है, नींद मीठी मीठी होती है। देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, अनुभव है, तो वैसे रात को नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह सुबह देखो भाई कह रहे बहुत अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह माया भी उसी समय आती है। तो माया के कस्टमर बनोगे या बाबा के, बाबा के कि माया के, दोनों हाथ उठाओ जो माया के बनेंगे, नहीं अच्छा जो बाबा के बनेंगे वो हाथ उठाओ, पक्का, हाँ ठीक है। तो सभी खुद के लिए जोरदार ताली बजा दो। हाँ तो आज से हम किसके कस्टमर बनेंगे, बाबा के या माया के, पक्का पक्का पक्का। इसलिए हम पूछते रजाई चाहिए या राजाई चाहिए, रजाई मना ठंडी लगती है तो ओढ़ के सो जाते हैं, राजाई मना मन बुद्धि संस्कार पर राज करने वाले, कर्म इंद्रियों पर राज करने वाले। क्या करना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो या दास बनना चाहते हो, कौन कौन राजा बनेंगे, फिर से हाथ उठाओ। अच्छा बाबा देख रहा है, माया भी देख रही है, अच्छा इतने हो, रावण भी देख रहा है, बाहर आना तो डरना नहीं, ठीक है। तो हम सब बाबा से कहेंगे कि आज से हम पावरफुल अमृत वेला करेंगे, बोलिए सभी क्या करेंगे, पक्का पक्का करेंगे। तो सभी खुश है, हाँ भाई वो गीत बजाना, वो मेरा बाबा है, सबको पसंद है ना, हाँ वो गीत बजेगा तो सब बाबा के साथ प्रतिज्ञा भी करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नींद करेंगे नहीं, क्या करेंगे, पावरफुल अमृत वेला। इसलिए क्या करना है, जहां जहां सोते हो वहां नहीं बैठना। कई बार क्या होता है, जहां सोते वहीं बैठने से क्या हो जाता है, फिर पूछो कैसा हुआ अमृत वेला, बहुत अच्छा हुआ दीदी, कहाँ गए थे, बोले परमधाम में सीधा। तो इसलिए जहां पर सोते हो वहां ही बैठना नहीं है, वहां से उठ के हाथ मुंह धो करके फिर कहीं और बैठना है, है ना। और दूसरी बात क्या है कि बहुत ही बाबा कहते हैं बहुत नींद आ रही हो तो ऐसे नहीं बैठ जाना, आप थोड़ा चक्कर लगाओ, कुछ मुरली पढ़ लो, फिर हमें मुरली पढ़ के योग करके ही सोना है, ठीक है, करेंगे ऐसा, कौन कौन अब तक करते हैं ऐसा, रात को मुरली और योग कौन करता है, तो कैसे मिस करते हो पूछा ना, तो फिर हाथ तो नहीं उठाया था, है ना। तो आज से हम क्या करेंगे, रात को भी मुरली पढ़ के योग करके फिर सोएंगे, पसंद है, हाथ हिलाओ ऐसा, हाँ सबको पसंद है, हाँ
तो रात को क्या करना है, बाबा के गोदी में सर रख के सोना है. किसके गोदी में? हाँ, ब्रह्मा बाबा के गोदी में रख लो अपना सर, फिर अनुभव करो जैसे बाप दादा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और बाबा मुझे सुला रहा है और बाबा मुझे फिर 4 बजे उठाएगा. तो ऐसे बाबा की गोदी में सर रख कर हम नींद करेंगे, मुरली पढ़ के योग करके सोएंगे, तो अमृत वेला कैसा होगा? अच्छा होगा ना? अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा? तो इसलिए आप सब बहुत अच्छा बनना चाहते हो या अच्छा अच्छा बनना चाहते हो? नहीं, खुशी से नहीं बोलते हो. बोलिए, कैसा कैसा बनेंगे? बहुत अच्छा कि बहुत बहुत अच्छा? तो बहुत बहुत अच्छा बनने के लिए आज से गुस्सा पक्का. हाँ, किस किस को गुस्सा आता है? हाथ उठाना. अच्छा, सबको आता है. देखो, सबको आता है. किसको नहीं आता है? कभी भी, कभी नहीं. देखो, 1-2 माता है, उनको भी पता नहीं है, उनके बाल बच्चे भी बहुत है गुस्से के, है ना. तो इस तरह हम एक जगह पे प्रोग्राम कराने गए थे, तो जहाँ प्रोग्राम कराने गए थे तो वहाँ जैसे जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे माताएं सब भाई बैठे थे, उस समय क्रोध मुक्त वर्ष चल रहा था. कौन सा? अच्छे से बोलिए, कौन सा वर्ष? क्रोध मुक्त वर्ष, है ना. तो बाबा ने जो जो बातें बताई थी हमने सब संगठन में बताई. तो सुनने के बाद एक माता मेरे पास आई दौड़ के, दीदी एक मिनट. तो मैंने बोला क्या? बोलती है, देखो दीदी, घर में ना मेरा राज्य चलता है. पहली बात इसने बता दी. क्या बोला? घर में मेरा राज्य चलता है. चलो मैं गुस्सा ना भी करूं, लेकिन मेरे को ऐसा अपना रूप रखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं आप बताओ. भले मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अपना क्या करेंगे. फिर मैंने कहा, अच्छा उसके लिए भी गुस्सा नहीं करना है क्या? छुट्टी दे रहे, थोड़ा थोड़ा करो. बोलो, करे ना करे, बोलो ऐसे ऐसे. भाई यहाँ पे कानपुर में हाँ कैसे बोलते हो? ऐसे ऐसे ऐसे, पता ही नहीं है. हाँ पता भी है, दोनों ऐसा ऐसा, पता भी और नहीं भी, ऐसा तो नहीं है. तो इस तरह से मैंने माता को बोला, भाई कुछ भी हो गुस्सा तो नहीं करना. दीदी मैं बात बताऊं? मैंने बोला क्या? बोलो. कहते मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? तो बोलो भाई, छुट्टी दे दे एक्टिंग के लिए, हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? नहीं नहीं. तो मैंने भी ना ही बोल दिया. मैंने कहा ठीक है माता जी, रुको 2 मिनट. फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा इनको क्या बताना है? तो फिर जो मुझे टच हुआ उस समय, मैंने माता को कहा 3 दिन के लिए. कितने दिन के लिए? खुशी से बोलिए. नाश्ता नहीं किया? मैंने भी नहीं किया. बोलिए कितने दिन? 3 दिन. हाँ, 3 दिन के लिए आप घर जाओ, और जब भी आपकी बहुए, 3 बहुए और 3 बेटे थे उसके घर में, तो जब भी आपकी बहुए कुछ अच्छा काम करे ना, जैसे आपने पानी मांगा, पानी दे दी, तो उस समय मुस्कुराते हुए कहना बहुत अच्छा. क्या कहना था? 3 दिन. कब, कैसे? हाँ, मुस्कुराते हुए कहना है. बोलो एक दूसरे को, बोलो जरा. देखो अभी भी मुस्कुराते नहीं हो. हाँ, मुस्कुरा के बोलो. बोले बोले बहुत अच्छे. तो ऐसे मैंने बोल दिया. तो माता घर गई और सारा दिन बहुओं ने देखा, जब भी जैसे कुछ मांग रही थी, दे रहे थे ना, तो माता ने जब भी ऐसा कहना था, जब भी बहुओं ने अच्छा काम किया, माता ने क्या कहना था? हाँ बहू, अब बहुत अच्छे. वो भी खुशी से स्वीटली बोल रही थी. तो रात तक सभी ने सोचा, बहुओं ने, आज माता जी की तबीयत ठीक है या खराब है? अच्छा खराब है. देखो भाई, हाँ. तो सारा दिन मतलब बातचीत हो गया. रात को बेटे आए तो बातचीत हो जाती है ना घर पे. फिर अगले दिन बेटों ने अपने मतलब शॉप पर जाना था बेटों को, तो फिर सब बेटों ने पूछा कि भाई मम्मी हम शॉप पे जा रहे हैं. हाँ, तीनों इकट्ठे हो गए और पूछा, बहुत अच्छा बेटे जा. तो सोचा पता नहीं क्या हो गया मम्मी को. हाँ, तो फिर जब भी बहुए कुछ अच्छा काम करे सारे दिन में, वही कहना था. फिर बेटों ने भी जब भी देखा कुछ भी करे, माता ने क्या कहना था? अरे खुशी से बोलिए, कैसे कहना था? बहुत अच्छा. तो रात तक सभी ने फाइनल कर लिया, माता जी की तबीयत अच्छा खराब है. देखो माता कह रहे. तो फिर ठीक है, तो बोला कि चलो अभी माता के पास जाते हैं, पूछते तो है कि क्या है. तो माता जी के पास गए, बोला कि माता जी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ? तो बोले उसमें क्या हो गए, पता नहीं क्या है.
अच्छा पूछा ये क्या है, 2 दिन से आप बहुत अच्छा बोल। अरे वो ना केवल 3 दिन का प्रोग्राम है, गीता दीदी ले आई माउंट आबू से। तो ऐसा बोल दिया, तो जब ऐसा बोल दिया तो बोला अच्छा केवल 3 दिन ही है। तो बोला अच्छा वो दीदी कहाँ है, बोला सेंटर पर है, मधुबन से आई है। तो कहते चलो चलो अभी चलते हैं, रात को 11 बजे चलते हैं। बोलते अरे दीदी यहाँ तो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती है, अभी नहीं सुबह चलते हैं, सुबह 8 बजे चलते हैं, क्लास के बाद दीदी मिलेंगे। तो ऐसा बोला तो देखो कल नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो सब रेडी हो गए 7 बजे, जाना था 8 बजे लेकिन सब नहीं थी, बाकी सब तैयार। तो कहते चलो अब भी सेंटर चलो। तो फिर सबको मतलब लेकर आ गई माता, और सेंटर पर फोन आ गया बहन जी के पास कि देखो वो है ना गीता दीदी को बोलना, हमारे परिवार वाले सारे मिलने वाले हैं। मैंने कहा पता नहीं माता ने एक्टिंग तो नहीं कर दिया, मैंने तो एक को सिखाया था, ये तो सबको लेके आ रही है, आंटी तो नहीं हो गए सब। तो सबको लेकर आए, तो सब रिसेप्शन में बैठे थे। तो जैसे ही मैं गई तो मतलब नीचे जैसे मुरली के बाद उनसे मिलना था, मैं नीचे गई, मैंने देखा सब मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई, तबीयत तो सबकी ठीक है हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा सब कैसे हो, अरे दीदी बहुत अच्छे। मैंने कहा माता को सिखाया था, ये तो सारी फैमिली बोल रही है हाँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा क्या बात है, कि दीदी आप तो पूछ रहे हो ना कैसे हो, 3 दिन से तो हम बहुत अच्छे। तो फिर बोला कि अच्छा दीदी ये आपने बहुत अच्छा वाला प्रोग्राम केवल 3 दिन रखा है क्या ऐसे। तो मैंने बोला नहीं नहीं लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है आप हमारी माता जी को जरा बता दो हाँ, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो बोलते अच्छा, मैंने कहा माता जी करोगे, हाँ दीदी मेरा राज तो चल रहा है, मैं लाइफ लॉन्ग करूंगी हाँ। तो सब खुश हो गए, तब से लेकर सारे लोगों ने कोर्स किया और सभी रेगुलर स्टूडेंट बन गए। बोलो तो आप भी क्या करेंगे घर में जाने के बाद, अभी तो बोलो आपस में तो बोलो क्या करेंगे हाँ? बोलो बोले बोलते तो हो नहीं, बोलो बोलो सब कैसे है, सब कैसे है, बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा हाँ है ना। अभी गीत बजेगा तो बाबा को भी हम कहेंगे है ना, वो मेरा बाबा है, गीत सेट है बजाइए जरा। तो बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा हम आज गुस्सा करेंगे बहुत अच्छा नहीं, क्या करेंगे आज से एकदम प्यार से रहेंगे, प्यार के फरिश्ते बनकर रहेंगे। कैसे रहेंगे प्यार के फरिश्ते हाँ, सभी गाइए बजाइए। बाबा के साथ साथ करना है, जहां खड़े वही चक्कर लगाओ, जहां खड़े वही चक्कर लगाओ, जहां खड़े है बाबा के साथ साथ करो। गाइए एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ो दोनों, मुर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने। हाथ छोड़ो दोनों हाथ से ताली बजाओ। सतयुग में बाबा के साथ साथ राज करो, बाबा का हाथ पकड़कर सतयुग में राधे कृष्ण के साथ राज करो, जहां खड़े वहीं राउंड लगाओ। गाइए गाइए अच्छे से ताली बजाइए।
से। गाइए। सभी महसूस करेंगे बाबा के भाग्य को, बाबा ने जो भाग्य दिया, बाबा ने जो खुशी दिया। मैं डबल लाइट फरिश्ता परमात्म भाग्य को महसूस कर रही हूँ। वाह, मेरा भाग्य जो भाग्य विदाता बाप ने बनाया। उड़न कटोली में बैठ जाओ, देखो कैसे वतन से बाबा गोल्डन पुष्पक विमान भेज रहा है आपके पास। मैं प्यार का फरिश्ता उस गोल्डन पुष्पक विमान में बैठ रही हूं। उड़ते उड़ते मधुबन पैराडाइज में पुष्पक विमान में बैठ करके जा रही हूं। खास बाबा ने मेरे लिए ये पुष्पक विमान भेजा है। इस गोल्डन पुष्पक विमान में प्यार के इस उड़न कटोले में बैठकर मधुबन के धरती पर पहुंचती हूँ। मैं प्यार का फरिश्ता, मैं पवित्र फरिश्ता मधुबन के आंगन में चलती हुई जा रही हूँ। महसूस करेंगे अपने भाग्य को। चलते चलते मैं देख रही हूँ कैसे बाबा आंगन में खड़े हैं। हजार पूजा वाला बाबा, विश्व के आदि पिता, साक्षात शिव के भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा मेरे स्वागत में खड़े हैं। स्वयं भगवान मेरा स्वागत कर रहा है। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में पवित्रता का सागर शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा स्वयं मेरा स्वागत कर रहा है। मेरा हाथ पकड़कर बाबा मधुबन के आंगन में लेकर जा रहा है। वाह, मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विदाता वरदाता बाप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बाबा खुद चारों धाम मधुबन के चार धाम की यात्रा करा रहा। महसूस करेंगे अपने भाग्य को। बाबा का हाथ पकड़कर मैं मधुबन के हिस्ट्री हॉल में जा रही हूँ। वहाँ के चित्र को देखते हुए अपने जीवन को चरित्रवान बनने की, बाबा जैसा चरित्र बनाने की दृढ़ संकल्प करती हूँ। बाबा आज से शांत स्वरूप आत्मा बन, शांति के फरिश्ते बन, प्यार के फरिश्ते बन,
प्यार से व्यवहार करूंगी घर में, जैसे आपने सच्चे प्रेम से हर एक आत्मा को प्यार का प्रसाद बांटा, इसी तरह मैं भी सिंपल और सैंपल बनकर प्रेम का प्रसाद सबको बांटूंगी बाबा।